ये एक सूचना मैं आपको दूं, आपके गुरुकुल की बेटियां पिछले दिनों गुरुकुल शादीपुरा जो जुलाना के पास है वहां प्रशिक्षण के लिए गई थी हमारी आचार्य मोनिका जी के नेतृत्व में। लगभग 40 बेटियां गई थी व्यायाम सीखने के लिए, लेकिन जब 5-6 दिन उन्होंने व्यायाम सीखा तो उसके बाद वहां के पदाधिकारी ने हमारी बेटियों का कुछ बेटियों का चयन ऐसे कर लिया कि उनको व्यायामाचार्य की उपाधि दे दी। खड़े हो बेटे आप, जिनको व्यायामाचार्य बनाया गया उन इन बेटियों को चुन लिया। उन्होंने कहा कि ये तो हमारी बेटियों को सिखाएंगी। 7 दिन के शिक्षण के बाद उन्होंने कहा और इनको वो ट्रैक भी दिया जिस पर लिखा हो व्यायामाचार्य। तो ये इन बेटियों की मेहनत थी, परिश्रम था। और ये जड़ी बेटियां जो छोटी बेटियों को संभालती हैं वहां इन्होंने रस्से पर जिस तरह से कमाल दिखाया, योगासन करके दिखाए, वो काबिले तारीफ थे। इनसे बड़ी बड़ी और वरिष्ठ दूसरे गुरुकुलों के बच्चे भी थे, लेकिन आपके कन्या गुरुकुल डोबी के बच्चियों ने वहां अपना लोहा मनवाया और वहां के पदाधिकारी इस बात के लिए मजबूर हो गए कि ये तो भाई शिक्षणार्थी नहीं, ये तो प्रशिक्षक हैं, और इनको प्रशिक्षक की उपाधि देकर के स्वयं बेटियों के सम्मान में एक बार ताड़ियां बजाओ। अब दूसरे मोनिका जी अगला डेमो दिखाओ, अगला डेमो, बैठ जाओ बेटा, हाँ अगला डेमो दिखाओ छोटा सा, देखो समय सीमा के अंदर रहते हुए थोड़ी सी आपको वानगी दिखाई दे रही, वानगी योगासन की दिखाओ। एक दो बेटी दिखा दो योगासन की। आ जाओ बेटा बीच में आ जाओ, शाबाश। पहला सूक्त निरोगी काया, अगर स्वास्थ्य ठीक है तो सब कुछ ठीक है, अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ एक ये क्या है, गदा एक ही है, ये और निकाल लो, ये निकाल लो कोई नहीं, छोड़ो छोड़ो, इधर दो मेरे को, ये निकाल लो। और चाहिए क्या गदा, और चाहिए तो और निकाल लो, ये और निकाल देंगे।
बहुत बढ़िया। इसी कर्तव्य के कारण, इस प्रकार के प्रदर्शन के कारण, जैसा मैं बता रहा था सारण साहब, ये बेटियां गुरुकुल शादीपुरा गई थी जुलाना के अंदर सीखने के लिए, प्रशिक्षण के लिए, लेकिन 5-6 दिन के प्रशिक्षण के बाद इनको व्यायामाचार्य मान लिया गया और इनको जिम्मेदारी गई कि आप सीखने वाले नहीं, आप सिखाने वाले बनो। और उन्होंने उसके बाद 10 दिन तक अपने गुरुकुल में रोका और अपने दूसरी जो छात्राएं थी उनको प्रशिक्षण दिलाया। ये डोभी की छात्राएं थी, जहाँ डोभी का भी नाम गूंजा। और जिस दिन हम वहाँ पहुँचे, रात्रि को अंधेरा हो चुका था, लेकिन इनके इंतजार में पूरा का पूरा सैलाब रुका हुआ था कि जब वो बेटियां आ जाएंगी तभी हमारा जलूस चलेगा। ये आपके डोभी गांव की विशेषता है, ये आपके कन्या गुरुकुल की विशेषता है। मैं कई बार कहा करता हूँ, आएंगे खत अरब से जिनने लिखाया होगा, गुरुकुल के ब्रह्मचारिणी हलचल मचा रही है, ये डोभी का संदेश लेकर के आएंगे। हाँ बेटा, आगे थोड़ा डेमो दिखा दो बेटा, लाठी का थोड़ा डेमो दिखा दो, जगह की कमी है, थोड़ी जगह छोड़ दो भाई, खाली भाई, ज्यादा नहीं, 2-3 एक दिखा दो। ये उठाओ बेटा, थोड़ा सा पीछे हो जगह, ये कुर्सियां भी पीछे करो, इधर ले आओ, ये तेज पर पाँव फिसल जाता है, इधर ले आओ इसको, गद्दे को ऊपर ले आओ, कोई फिसल ना जाए। थोड़ा सा एक डेमो दिखाओ। आत्मरक्षा के कई बार आपने देखा है कि फलां कॉलेज में गए, फलां स्कूल में गए, उन्होंने आत्मरक्षा के उपाय सिखाए, लेकिन एक दिन में कोई आत्मरक्षा का उपाय नहीं सीख सकता। आत्मरक्षा का उपाय सीखना है तो आपके कन्या गुरुकुल डोभी से संपर्क करिए, आपके कन्या गुरुकुल डोभी में आइए। ये बेटियां आपको बताएंगी कि दुश्मन पे वार कैसे किया जाता है, अगर दुश्मन से हम घिर जाएं तो किस प्रकार के उसके अवैध दुर्ग को पार करेंगे, हम कैसे उनके बीच से निकलेंगे, कैसे अपने आप का बचाव करेंगे और किस प्रकार से हम अपनी सुरक्षा करेंगे। केवल मात्र सूखे नारों से या फोटो खिंचवाने से एक दिन में कराटे सीखने से नहीं सीखे जाते, इसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, जगह नहीं है, कभी लाठी घूम ना जाए। छोटी लाठी ले लो बेटा, छोटी लाठी ले लो, क्योंकि जगह बहुत कम है, जगह बहुत कम है, कभी ऐसा ना हो कि चोट लग जाए, कोई और बात हो जाए। और हमारी ये दूसरी बेटियां बैठी हैं, स्कूल की बेटियां बैठी हैं, इनके लिए भी कन्या गुरुकुल के द्वार खुले हैं। आप शाम को आइए इन बेटियों के साथ में, मिलजुल करके ये चीज़ें सीखिए आप। ये हमारा डोभी गांव जो है, ये चारों तरफ इसकी बात जानी चाहिए। ये गिलास वगैरह उठा लो भाई, ये बीच में 2-3 पड़े हैं, ये बेटियाँ खड़ी हो हमारे, ये गिलास जो है ना, हाँ ये उठा करके दूर करो, पाँव मारेंगे, अच्छा नहीं लगता। ये कागज है पीछे, उठाओ, प्लास्टिक का कागज पड़ा है, ये कागज बीच में एक और है, किसका है देखिए, हाँ ये बेटा किसका कागज है, हाँ, और बीच में नहीं आना है, देखो लाठी को चित्ते से पकड़ना है मजबूती से, कभी लाठी हाथ से फिसल भी ना जाए, ऐसा ना हो। हाँ आराम से बैठिए बेटा, 1-2 हाथ दिखा दो आप अपने, है थोड़ा समय के अनुसार एक प्रदर्शन कर दो। मोनिका जी करो इनको स्टार्ट, जी।
जीवन प्रसिद्ध हुआ है। बैठिए आप अपने स्थान पर। एक इनकी योग की कलिपी है क्या? वो बच्चे आए हैं क्या? आओ बेटा, थोड़ा सा डेमो दिखा दो, आप थोड़ा सा डेमो दिखा दो। चलो बीच में आ जाओ। शाबाश, बहुत बढ़िया। आप सुबह से तपस्या कर रहे हो, आपको विश्राम नहीं मिला है, लेकिन कोई बात नहीं है, आपके लिए फलों की व्यवस्था हो गई है और फलाहार ही करना चाहिए। दाज। ये थोड़े कर दो, जगह जगह की कमी है, ये थोड़े कर दो थोड़ा सा। ये छोटे बच्चे, शाबाश बेटा। करो।
किस प्रकार ये बच्चियां सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खड़ी होकर के 5 बजे खड़ी होकर के 4 बजे खड़ी होकर के इस योग की साधना के द्वारा अपने शरीर को साधती हैं, कितना परिश्रम करती हैं, बुद्धि के साथ साथ में शारीरिक क्षमता भी किस प्रकार प्राप्त करती हैं, ये आपने एक छोटा सा उदाहरण डेमो के रूप में देखा। और इस कार्यक्रम के लिए 200 रुपये हमारे प्रधान जी श्री राम सिंह जी मास्टर जी ने 200 रुपये इन बेटियों के लिए दिए हैं। राम सिंह जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इन बेटियों का तो जितना उत्साहवर्धन किया जाए उतना ही कम होता है। यही तो है कि ये नारियाँ, कभी इनके बारे में मैं कभी भी कहा करता हूँ, कभी कभी माँ बनती है, कभी बहन बनती है, कभी दुल्हन बनकर श्रृंगार करती है, अगर आ जाए मौका तो शत्रु पर दुश्मन का व्यवहार भी करती है, लाठी का व्यवहार भी करती है। ऐसा शिक्षण और प्रशिक्षण हम गुरुकुल के माध्यम से बेटियों को देते हैं। आप भी अपनी ये संदेश दूर दूर तक पहुंचाएं। और कोई भी समाज की बेटी अंतिम छोर पर बैठी शिक्षा के बिना वंचित ना रहे, उसके लिए आपका कन्या गुरुकुल आपके द्वार खुले हैं। वो सभी को आमंत्रित करता है कि कोई भी बेटी आए और अपना शिक्षण और प्रशिक्षण भली भांति वहां से प्राप्त करें। ये गुरुकुल आपका अपना है, आपका अपना वैदिक गुरुकुल है। और एक बात और कह दूं, जब आप दिल्ली से चलेंगे, इस राजमार्ग की तरफ आएंगे, पाकिस्तान के बॉर्डर तक चले जाइए, ये आपका पहला वैदिक गुरुकुल है।
याद रखना इस बात को, ये पहला वैदिक गुरुकुल है। अच्छा ये बेटी भाई, ये सन बेटी है सनैन की, और इसको भी मैं छोड़ करके आया था शादीपुरा, और जब लेने के लिए गया तो मैं बोले जी मन ने यहाँ क्या किया, मेरा कर्तव्य देखो आप, धक्का करके गई थी ये, तो इसने कहा क्या कि मैं गुलाटी मार के दिखाऊंगी आपको, चल बेटा दिखा क्या दिखाना चाहते है। शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। कितना गणेश जी, गणेश दिनेश, हाँ ये दिनेश की बेटियां हैं, 100 रुपए दे रही हैं बेटियों के लिए, एक बार ताड़ियां बजा कर इस बेटी का भी सम्मान कराओ भाई, दिनेश जी ने 100 रुपए भेजे हैं, इस बेटी का भी धन्यवाद है, और मैं देख रहा हूँ कि इसकी शायद मम्मी होगी साथ में यहाँ, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। अब प्रधान जी, अब हमारा काम ये थोड़ा सा समापन की ओर है, तो मैं चाहूँगा कि हमारे कुछ जो गणमान्य लोग यहाँ आए और उनका भी सम्मान कर दिया जाए, उनको भी अपना सकल प्रकाश वगैरह भेंट करें। सबसे पहले तो हमारे ऊपर शरण साहब बैठे हैं, इनको भी सम्मान।